तो स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज इस वाले वीडियो को एंड तक देख लेना। तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट ने टैब दिए हैं, वो आपको इसलिए दिए थे ताकि आप उसके अंदर से सही से पढ़ाई कर सकें, आपकी और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो सके। लेकिन दोस्तों उसके अंदर हो क्या रहा है, काफ़ी सारे बच्चे उसके अंदर सिक्योरिटी को तड़वा रहे हैं, मतलब कि जो टैब के अंदर MDM है उसको तड़वा कर उसके अंदर दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं। अब इसके ऊपर सरकार ने दोस्तों कड़ी कार्रवाई कर दी है। बहुत सारे गाँव में जो सरपंच हैं उन्होंने कहा है कि जो आपने बच्चों को टैब दिए हैं ये आप वापस ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब इसी पर दोस्तों हमारे जो शिक्षा मंत्री है कंवल पाल गुर्जर, उन्होंने दोस्तों बड़े बयान दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज बताने वाला हूं, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, क्या वो टैब को वापस ले लेंगे और क्या होगा अगर आप अपने टैब के अंदर सॉफ्टवेयर को डलवा लेते हैं। दोस्तों आपको ये जो न्यूज़ है ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दोस्तों इसमें लिखा है कि हरियाणा में इन दिनों स्कूली बच्चों के द्वारा टैब के दुरुपयोग किए जाने को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पंचायतें सामूहिक रूप से टैब को वापस कर रही हैं। पंचायतों के इस रुख पर राज्य के शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने कड़ा अख्तियार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चे अगर इस प्रकार की अब कोई भी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है तो हम उन बच्चों के खिलाफ भी शिकायत करेंगे और जिन्होंने सॉफ्टवेयर क्रैक करवाया है और सॉफ्टवेयर क्रैक करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आपने इस नोटिस में देख लिया होगा कि अगर आप अपने टैब के अंदर अब सॉफ्टवेयर को डलवाते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, अगर आप जिससे सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सॉफ्टवेयर ना डलवाएं। अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो वैसे ट्रिक से चला लें, अगर आपको नहीं चलानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख लेना। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टैब के अंदर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह देखें, क्योंकि जो आपकी हिस्ट्री है पूरे टैब की सरकार के पास जाती है, क्योंकि इस टैब के अंदर जो ईमेल आईडी चल रही है वो सरकार की चल रही है। तो कोशिश करना कि आप इसके अंदर पढ़ाई वगैरह की चीज़ें देख पाए, वरना आपकी हिस्ट्री वहां पर रिकॉर्ड हो रही है तो आपके आपसे टैब ले लिए जाएंगे अगर आप ज्यादा कुछ इसके अंदर चलाओगे। तो सॉफ्टवेयर तो आप ना ही डलवाओ तो सही रहेगा, बाकी जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप अपने टैब के अंदर पढ़ाई करते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाबा बेटा जय हिंद।